नमस्कार, रेडियो 99 पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईरा पुराणिक और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। इंफोसिस को मिलेगा कितना इनकम टैक्स रिफंड? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर पर क्यों लगा 20% का अपर सर्किट? जीएम ब्रिवरीज के शेयर में क्यों आया जोरदार उछाल? पेटीएम अपने कर्मचारियों पर किस बात का दबाव बना रहा है? आईपीओ मार्केट में क्या है आज का ताजा अपडेट बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। जिंदल स्टील एंड पावर ने सफाई जारी करते हुए कहा है कि कंपनी की ओर से वेनेजुएला की सबसे बड़ी आयरन ओर मिल को खरीदने की रिपोर्ट तथ्यों के आधार पर गलत है। इस अधिग्रहण को लेकर करीब 2 हफ्ते पहले मीडिया में रिपोर्ट्स छपी थी। खबर के चलते आज जिंदल स्टील एंड पावर का शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर 867.20 रुपए पर बंद हुआ है। दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस को 6,329 करोड़ रुपए का आईटी रिफंड मिलने वाला है। शनिवार को स्टॉक एक्सचेंजों को कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये इनकम टैक्स रिफंड वित्त वर्ष 2007-08 से लेकर 2018-19 के बीच का है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में मिला है। इनकम टैक्स रिफंड मिलने की खबर से आज इंफोसिस का शेयर मामूली गिरावट के साथ 1,497 रुपए पर बंद हुआ। डेटामैटिक्स ने सेल्सफोर्स सर्विसेज देने वाली कंपनी डेक्सटारा डिजिटल को 143.4 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। यह अधिग्रहण 3 चरणों में पूरा होगा, जिसमें पहले चरण में 80% हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2024 तक और बाकी बची 20% हिस्सेदारी पहला चरण खत्म होने के 24 से 28 महीने के बीच पूरा होने की उम्मीद है। खबर के चलते आज डेटामैटिक्स के शेयर में करीब 9% की बढ़त के साथ 580 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। हिंदुस्तान फूड्स की सब्सिडियरी कंपनी केएनएस शूटेक प्राइवेट लिमिटेड ने एसएसआईपीएल रिटेल के साथ बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट यानी बीटीए किया है। इसके तहत एसएसआईपीएल की हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में स्थित 3 मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि में खरीदा जाएगा। ये सौदा वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है। खबर के चलते आज हिंदुस्तान फूड्स का शेयर 7.5% चढ़कर 508 रुपए पर बंद हुआ। ग्लोबल स्पिरिट्स के शेयर में आज करीब 14% के बड़े उछाल के साथ 758.20 रुपए पर कारोबार की समाप्ति हुई। दरअसल इस कंपनी ने झारखंड और वेस्ट बंगाल में स्थित अपनी 2 मौजूदा यूनिट से अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। क्षमता विस्तार के बाद झारखंड में क्षमता 140 KLPD से 200 KLPD और वेस्ट बंगाल में 240 KLPD से बढ़कर 300 KLPD हो गई है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर आज 20% के अपर सर्किट पर 755.80 रुपए पर बंद हुआ। असल में रेटिंग एजेंसी केयर और इकरा ने इस कंपनी की लंबी अवधि और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की रेटिंग को AA से बढ़ाकर AA+ कर दिया है और आउटलुक को पॉजिटिव से बदलकर स्टेबल कर दिया है। जीएम ब्रिवरीज के बोर्ड की 4 अप्रैल को बैठक होने वाली है, जिसमें बोर्ड की ओर से बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। बोर्ड बैठक में बोनस शेयर पर विचार करने की खबर से आज जीएम ब्रिवरीज का शेयर करीब 13% उछाल के साथ 716 रुपए पर बंद हुआ। बैंक ऑफ इंडिया ने 31 मार्च को घोषणा की है कि बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की असेसमेंट यूनिट से 1,128 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस मिला है। ये डिमांड नोटिस असेसमेंट ईयर 2016-17 से जुड़ा हुआ है। खबर के चलते आज बैंक ऑफ इंडिया का शेयर करीब 2.5% की बढ़त के साथ 140.70 रुपए पर बंद हुआ। रियल एस्टेट कंपनी प्रेस्टीज स्टेट्स ने अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA और कोटेक AIF से एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए 2,001 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। इस प्रोजेक्ट की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 18,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। फंडिंग मिलने की खबर से आज प्रेस्टीज स्टेट्स का शेयर करीब 7% चढ़कर 1,253 रुपए पर बंद हुआ। निजी क्षेत्र के HDFC बैंक की HDFC एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में पूरी 100% हिस्सेदारी स्विस चैलेंज मेथड के जरिए बेचने की योजना है।
30 मार्च को स्टॉक एक्सचेंज की दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने एक इंटरेस्टेड पार्टी के साथ बाइंडिंग टर्म शीट साइन की है जो अन्य इंटरेस्टेड पार्टी से काउंटर ऑफर हासिल करने के लिए बेस का काम करेंगी। खबर के चलते आज HDFC बैंक का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ 1,470 रुपए पर बंद हुआ। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कारोबार बंद होने के बाद अब इसके कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार लटक रही है। हालांकि पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने छंटनी की खबरों से इनकार किया है, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कंपनी अपने कर्मचारियों पर स्वेच्छा से इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। रिजाइन करने से मना करने वाले कर्मचारियों को कंपनी ने पिछले हफ्ते बर्खास्त कर दिया। खबर के चलते आज पेटीएम का शेयर करीब 0.5% की बढ़त के साथ 405 रुपए पर बंद हुआ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को कर्नाटक के टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से 23.26 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड और पेनल्टी को लेकर नोटिस मिला है। कंपनी की ओर से 31 मार्च को एक्सचेंज को दी गई जानकारी के मुताबिक मेरिट्स के बेसिस पर उसका केस मजबूत है और वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के सामने आदेश के खिलाफ अपील फाइल करेगी। खबर के चलते आज जोमैटो का शेयर 1% से ज्यादा उछलकर 184.10 रुपए पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 188.20 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। इसे आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को भी। अभी के लिए नमस्कार, बने रहिए मनी 9 के साथ।